नमस्कार जोहार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में पूरे धूमधाम के साथ शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा का पावन उत्सव मनाया जा रहा है और इस समय हम लोग जैना मोड़ में हैं। आप देख रहे हैं कि माँ दुर्गा की पूजा आराधना बड़े उत्साह के साथ की जा रही है। आज महाअष्टमी है, महागौरी की पूजा आराधना की जा रही है और बड़ी संख्या में महिला पुरुष युवा सभी वर्ग के लोग दूर दराज से माता के दर्शन करने, माता का आशीर्वाद लेने के लिए इस पूजा मंदिर में आते हैं। और आप देख रहे हैं कि माता के अलौकिक स्वरूप का दर्शन कर लोग धन्य हो रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं, महाप्रसाद चढ़ा रहे हैं, महाआरती में शामिल हो रहे हैं और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में दूर दराज से, ग्रामीण क्षेत्र से साधक श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं और माता की आराधना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। आप ठीक सामने देखिए, मंदिर में माता की प्रतिमा विराजित है, अलौकिक स्वरूप है, जिसको दर्शन करने के लिए लोग लगातार सुबह से ही आ रहे हैं और अभी 8 बजने को है, लेकिन माता के दर्शन करने का जो सैलाब उमड़ पड़ा है वह कम होने का नाम नहीं ले रहा। चाची कहाँ से आई है? जैनामोड़ से। हाँ। क्या मांगा आज माता से? माता से मांगेंगे बाल बच्चा सुख से रहे, शरीर सुख रहे, और क्या मांगेंगे? उपवास किया है क्या? हाँ। आप कहाँ से आई है? मैं भी जैनामोड़ से हूँ। जैनामोड़ से आई है, कब से आ रही है माता का दर्शन करने के लिए? वही कल से आ रहे हैं, कल माता का पद खुला तो कल से हम लोग दर्शन कर। सालों से आ रही है? मुझे जब से शादी हुई 25 साल से। क्या मांगा? क्या मांगा माता का? बस सुख शांति प्रेम ऐश्वर्य और क्या। अगर जननी माँ दुर्गा से की मांगला दुर्गा की? हाँ, सब बाल बच्चा सब आनंद रहे, सुखी संपन्न रहे सब, और क्या मांगेंगे? कहाँ से आएगा? ऐसा बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, कुछ नौजवान भी आए हैं इस उम्र में माता के दर्शन करने आ जाए, माँ गौरी का उत्सव है। क्या मांगा आज आपने? हमने भगवान से बहुत अदर प्रार्थना की यहाँ पे, यहाँ हम लोग आए हुए हैं, तुक्काडी से यहाँ आए हुए हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ। बहुत दूर ये, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। ठीक है, बहुत यहाँ पे बनाया गया है ये मंदिर बहुत, और अभी आज अष्टमी है। ठीक है, पढ़ाई करते हैं क्या? हाँ, पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट भी आए हुए हैं, आपका क्या नाम है? आशुतोष। कहाँ से आए? टुपकाटी। टुपकाटी से आए हुए हैं, क्या मांगा? बहुत कुछ मांगा, खुशी मांगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं बांदड़ी से आया हूँ। बांदड़ी से? सुनील माथुर। कब से आते हैं यहाँ पर? मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, लेकिन क्या अभी मेरा गांव बांदड़ी में पड़ता है। राजस्थान में काम करते हैं? जोधपुर में रहते हैं, मकान भी है। मकान भी है, यहाँ हमेशा आते हैं। हाँ सब। आप कहाँ से आए? हम जैन मुड़ का रहने वाले हैं। जैन मुड़ का पूजा बहुत धूमधाम से होता है, अब बहुत अच्छी होता है, माँ बहन देखने के लिए सब कोई आता है। आप देख रहे हैं कि इसी तरह लोग आते हैं, पूजा करते हैं, सेल्फी भी लेते हैं। आप कहाँ से आई हैं? जैनामोड़ से ही। क्या मांगा माँ से आए? आज तो कुछ नहीं मांगा। उपवास किया है आंटी? उपवास किया है आपने? व्रत रखा ना की को? हाँ, को रखा लाते हैं। व्रत रखा ला? हाँ। कब है आज की? आज कौन माता की पूजा कर रही है? दुर्गा माता का। दुर्गा माता, महागौरी का पूजा। इसी तरह आप देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां भी यहाँ आई हुई हैं, आप लगातार देख रहे हैं कि आप कहाँ से आई हैं? यहीं से है सर। यहीं है, जैना मोड़ से है। कब से आती है माता का पूजा करने? कितने वर्ष से? बचपन से। बचपन से पूजा कर रही है, कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही भव्य माता का दरबार है, बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? आंचल कुमारी। कहाँ से? यहीं से। जैना मोड़ से? जैना मोड़ से। लंबे समय से यहाँ पूजा होती है? बचपन से? बचपन से आ रहे हैं हम लोग। इसी तरह पहले भीड़ हुआ करती थी? हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। सबसे अच्छा क्या लगता है आपको यहाँ पर? यहाँ आते हैं पूजा करने, क्या लगता है सबसे अच्छा? बहुत अच्छा लगता है, जब से पैदा हुआ तब से यहाँ पूजा कर रहे हैं हम। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं, कहाँ से आए हैं? जैना मोड़, यहीं से आए हैं। जैना मोड़ से ही हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ इतनी ज्यादा जन समूह उमड़ा हुआ है, महाप्रसाद भी बट रहा है, अभी कुछ देर पहले महाआरती हुई है, लोग माता का दर्शन करके आशीर्वाद लिए हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं क्या? हाँ, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। स्टूडेंट कर रहे हैं? आप पढ़ते हैं? सर कॉलेज में पढ़ते हैं। क्या मांगा माँ से? मांगे है कि मेरा जो मनोकामना है मेरा पूरा कर दे भगवान, यही मांगे माँ से। लगातार आप देखेंगे माता का दर्शन करने के लिए दूर दूर से आए। काकी कहाँ से आए हैं? जैना मोड़ से। जैना मोड़ से। पूजा हो गया? पूजा हो गया। चलिए, आपका पूजा हो गया? हाँ, पूजा। कहाँ से आई है? उनका साइन मोड़ साइड। जैना मोड़ साइड से। आज उपवास भी रखा जाता है, मान्यता है? हाँ। आप लोगों ने रखा है? हाँ जी। क्या मांगा माँ से? माँ से जो मांगा माँ पूरा कर देगी। माँ है माँ, तो ऐसे भी कोई भी चीज मांग लीजिए दे देता। आप कहाँ से?
जैना मोड़ से। जैना मोड़ से आए, तो आप देख लीजिए इसी तरह दूर दराज से लोग यहाँ आए हैं माता का दर्शन करने। और इस मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ पर बरसों बरस से यहाँ की जो पूजा आयोजन समिति है इसी तरह माता के पूजा आराधना की व्यवस्था करती है। हालांकि प्रतिदिन यहाँ पूजा होती है, यहाँ की जो महाआरती है उसका भव्य दर्शन आपको देखने को मिलेगा। भव्य महाआरती होती है, हजारों की संख्या में दीप जलते हैं और माता के समक्ष उन दीपों को रखकर सबके लिए प्रकाश और ऊर्जा की कामना की जाती है। और आप देख रहे हैं कि लगातार इसी तरह महाप्रसाद भी अभी वितरण हो रहा है और दूर दराज से लोग माता का दर्शन करने के लिए जैना मोड़ के इस मंदिर प्रांगण में दुर्गा माता से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। मंदिर में आप जो ये बेहतर दुर्गा पूजा आयोजन को देखते हैं और उसकी जो बेहतर व्यवस्था होती है यहाँ की जो पूजा समिति है इनकी तरफ से होती है और प्रत्येक वर्ष इसी तरह खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, कौमी एकता का एक खूबसूरत नज़ारा भी यहाँ पेश किया जाता है। इस समय हमारे साथ खुश अध्यक्ष जी, क्या इस बार की विशेष कार्यक्रम है यहाँ? देखिए विशेष कार्यक्रम तो यहाँ का मेन पूजा है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ प्रथम दिन 15 तारीख से पूजा आरंभ हुआ, उस दिन से कलश स्थापना से लेकर के हम लोग बेहतर से बेहतर ढंग से पूजा कराने का पूरा कमेटी की तरफ से प्रयास रहता है और उसमें हम लोग सफल भी होते हैं। आज महाअष्टमी का त्यौहार है, व्रत है। आज यहाँ 17 पंचायत से लोग आते हैं। जरीडीह जैना मोड़ प्रखंड मुख्यालय है, यहाँ पे 17 पंचायत के लोग, श्रद्धालु लोग का आगमन होता है और सबको पूजा करने के लिए पूरे कमेटी के तरफ से ये व्यवस्था रहता है कि भाई सब लोग अच्छे ढंग से पूजा करके यहाँ से जाएं। और उसमें आज हम लोग के कमेटी सफल रहा, बहुत ढंग से सब लोग को, श्रद्धालु को पूजा करा करके गांव तक अपना सफल रही माता के पूजा आयोजन में। आप भी लगातार यहाँ पूजा देखते हैं, दर्शन करने आते हैं, कैसा लगता है जब यहाँ माता के शरण में आते हैं? कि आज जगत जननी माता दुर्गा का आज महाअष्टमी का पूजा है और चूंकि जरीडीह प्रखंड यह मुख्यालय जैना मोड़ में यह पूजा हो रहा है, इसके कारण पूरे जरीडीह प्रखंड के 17 पंचायत के लोग पूरे श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं। और मैं इस पूजा कमेटी के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन लोगों के द्वारा जो पूरे विधि व्यवस्था के साथ पूजा को संपन्न करते हैं, जितने भी लोग श्रद्धालु लोग यहाँ जो आते हैं पूजा करने के लिए, सभी का ख्याल रखा जाता है, किसी को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान पूजा कमेटी का रहता है। इसके लिए हम सब पूरे जरीडीह के लोग इन सब सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं। ये लगातार आप देख रहे हैं कि इस बार आप लोगों को देख रहे हैं कि भीड़ बड़ी जबरदस्त है सर। लंबे समय बाद कहा जाता है कि कोविड के समय में इस तरह का नज़ारा देखने को नहीं मिला था। माता के दर्शन करने की व्यवस्था आप लोगों की तरफ से बड़ी खूबसूरत रहती है और जिला प्रशासन भी बड़ा सख्त मदद करता है। यहाँ का जो आरती है बहुत भव्य तरीका से होता है और आरती में लगता है कि कुछ आरती हो रहा है। मैंने इस आसपास में पूरे जरीडीह प्रखंड में जो 17 पंचायत के लोग ही यहाँ आते हैं और महिला, सारे लोग महिला आते हैं, जो हजारों हजार का भीड़ होता है, जो आरती बहुत सुंदर होती है। आरती तो होती है, आप देख रहे हैं कि लगातार महाआरती के अलावा महाप्रसाद भी आप लोग वितरण करते हैं सर। जो सप्तमी के तिथि से एकादश तक कंटिन्यू महाप्रसाद का वितरण होता है और सभी लोग श्रद्धा भाव से लगे रहते हैं पूजा में। दादा इस बार क्या मांगा? देखिए माँ से मांगने का जरूरत नहीं पड़ता है, माँ खुद ब खुद अपने भक्तों का ख्याल रखती है। बस हम लोग श्रद्धा दिल से पूजा उनका अर्चना करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं जैना मोड़ का पूजा जो सरदर्द है सबके साथ, सारे लोग पूरे जरीडीह प्रखंड का ये गौरवशाली मंडप है, यहाँ से सारे लोग अपनी अर्जी लेकर के आते हैं और माँ उनके अर्जी को पूरा करने का काम करती है। माता है, माता के यहाँ मांगने की जरूरत नहीं है, माँ के दरबार में सिर्फ आप आ जाइए, माँ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है। और आप देख रहे हैं कि जैना मोड़ का ये जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर व्यवस्था इसी तरह खूबसूरत तरीके से करते हैं और आप प्रत्येक वर्ष यहाँ पर दुर्गा पूजा के अवसर पर देखते होंगे कि माता के महाआरती का जो महत्व होता है इस मंदिर में देखने को मिलता है। इसके अलावा महाप्रसाद भी वितरण करता है। पूजा कर लिया आपने? पूजा कर लिए और बहुत अच्छा से पूजा हुआ। हम लोग
कल ही इसके लिए जो महा ये जो हम क्या बोलते हैं ये जो अष्टमी का पूजा हम लोग करते हैं तो इसमें इतनी भीड़ होती है कि सब अगला साल से भी ज़्यादा भीड़ इस बार हुआ। तो इसमें हम लोग रात में ही सारे अध्यक्ष जी हम लोग सब बैठ के ये किए कि कल का जो पूजा हो पहले से प्रत्येक साल से भी अच्छी से पूजा हो, जो महिलाओं को प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, क्योंकि भीड़ बहुत गैदरिंग होता है। तो उसमें हम लोग का सबका रहता है कि तत्पर रहते हैं कि हर समय वॉलंटियर्स हैं, सेवा भी करते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस तरह का नज़ारा पत्रकार होते हुए आप कहीं देखते हैं क्या? नहीं, जैना मोड़ पूरे बोकारो जिला का चूँकि केंद्र बिंदु है और इसलिए दुर्गा यहाँ का दुर्गा जो मंदिर है जो बहुत अच्छा ढंग से बना हुआ आकर्षक तरीके से बना हुआ है, इसको देखने के लिए भी लोग आ रहे हैं। साथ ही साथ पूजा पंडाल और दुर्गा माँ की इस बार जो प्रतिमा बनी है बिल्कुल आकर्षक और अलग हट करके, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैना मोड़ भले आता हो लेकिन शहर का पूरा यहाँ पर तर्ज दिखाई दिया। सारी तैयारी जो थी, सारे पूजा समिति का जो तैयारी किया गया और जो श्रद्धालुओं का भीड़ और जो साज सज्जा है वो बिल्कुल टाउन जैसा है, शहर जैसा है। इसलिए मैं डीप फोकस के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैना मोड़ इस दुर्गा माँ का जो बोले कि जो बिना मांगे मिलता है, तो यहाँ के एक मांग है हम लोग का कि जैना मोड़ कैसे अनुमंडल बने और जैना मोड़ कैसे और कैसे अनुमंडल करे, इसकी तो मांग लगातार। आज महाप्रसाद ग्रहण कर लिया? कर लिया हम लोग, महाप्रसाद ग्रहण कर लिया। आज महाअष्टमी है और महागौरी की पूजा आराधना कर कल सिद्धिदात्री की पूजा होगी और सिद्धिदात्री की पूजा आराधना के पश्चात श्री श्री नवरात्रि का महाव्रत संपन्न होगा। और आप देख रहे हैं कि इसी तरह कल भी यहां पर भक्त और श्रद्धालु माता का दर्शन करने के लिए जैना मोड़ मंदिर में उमड़ने जा रहे हैं।